नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक अकर्मक। हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए हिंदी का, वहाँ पर ये आपको 1 से 2 नंबर का ज़रूर मिल जाएगा। बहुत से बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज रहते हैं कि वो तुक्का मार के आ जाते हैं या गलत कर बैठते हैं, क्योंकि उनको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है और ट्रिक जो पता होती है वो भी आधी अधूरी पता रहती है। तो आज मैं उन्हीं गलतफहमियों की आपकी दूर कर दूंगा कि आपका कहीं भी पेपर आएगा हिंदी, अगर उसमें पूछा जा रहा है, चाहे वो टफ लेवल का हो और इजी लेवल का, तो आप कर ही लेंगे। कोई भी लेवल हो, आप क्वेश्चन को तुरंत करेंगे बहुत कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिए, और उसके लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन सेट भी है, उसे ज़रूर लगाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आपने क्या सीखा इस वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिया की, क्योंकि इस ट्रिक को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, ठीक है, करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, खाना पीना, सोना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिया में। मतलब ये सारी चीज़ें मेन मेन चीज़ें थी जो मैंने बता दी, इन पे फोकस नहीं रहते हम। तो ये सब चीज़ें हैं क्रिया के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे। अब बात कर लेते हैं क्रिया के भेद से। यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है कि क्रिया के भेद आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है डिटेल में, 2 नंबर कम से कम पूछा जाता है। तो इतने आपको अगर लेने हैं तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और आपको आज मैं दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बुक उठा लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप अपने दम पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले सकर्मक क्रिया को देखते हैं। सकर्मक क्रिया में है क्या कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सकर्मक मतलब क्या है, साथ में कर्म हो। ठीक है, साथ में कर्म हो तो कर्म का होना जरूरी है। अकर्मक मतलब मतलब आप मान लीजिए कि नहीं होना जरूरी है। ठीक है, सा आ रहा है तो साथ कर्म साथ में होना जरूरी है। ये इसलिए है क्योंकि कई बार आपको डेफिनेशन ही पूछ लेता है 1 नंबर की, तो आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए। और दूसरा मेन क्या है, इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, वो आपसे पूछता है कि कर्ता पर पड़ता है कर्म या कर्म पर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी होगी वो मैं बता दूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं ट्रिक वाले पार्ट की। तो ट्रिक वाले पार्ट में अब आप 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद से ही करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ मैंने सकर्मक क्रिया में आपको 4 एग्जाम्पल लिए हैं, अकर्मक में भी 4 लिए हैं, और उसके बाद लगभग 20 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपको, वो जो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले सकर्मक और अकर्मक के लिए एक ही ट्रिक है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी क्रिया हो, क्रिया से पहले आपको लगाना होगा क्या, और फिर क्या लगा के आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर आपको मिलेगा। अगर मिलता है तो ठीक है, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में आप फिर से लगाएंगे किसको, क्रिया के पहले। ठीक है, जहां आपने क्या लगाया था वहीं आप किसको लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। और उस बार आप क्या करेंगे कि अगर उसका भी जवाब आपको मिल रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिए कि क्रिया के पहले आपको लगाना है क्या और देखना है कि आंसर जवाब आपको मिल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर फिर किसको लगाते हैं और जवाब मिल रहा है तो ठीक है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर क्या और किसको, इनमें से किसी एक का भी आपको, एक सही मिलता है एक गलत मिलता है, कोई भी, चाहे वो क्या का गलत हो या किसको का सही हो या किसको का सही हो या क्या का गलत हो, कुछ भी हो या दोनों गलत मिल जाए आपको, एक भी गलत मिल गया तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो कोई बड़ी बात नहीं है,
क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। दूसरा एक सकर्मक का और तरीका है डायरेक्ट वाला, इसमें क्या होता है सकर्मक पहचानने के लिए, ये सिर्फ सकर्मक के लिए है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ खत्म हो रही हो ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो डायरेक्ट आप उसे टिक कर दीजिए कि वो सकर्मक ही होगी। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए राजू सेब खाता है। अब सेब क्या है, फल है, फल क्या हो रहा है भाई, जब वो खा रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है, तो आप तुरंत टिक लगा दी। अब वो सेब खाए, अनानास खाए, खाना खाए, कुछ भी खाए, वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो आप जैसे कहीं खाने वाली चीज़ आ जाए और उसमें ये बोले कि वो खा रहा है या खाता है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तुरंत बगैर कुछ सोचे आप सकर्मक लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए श्याम ने खिलौना तोड़ा, अब खिलौना जब तोड़ दिया तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म ही तो हो गया, तो आपने ये भी तुरंत कर लिया कि ख़त्म हो गया। ये तो मतलब सिर्फ सकर्मक क्रिया का पहचानने का, लेकिन जो मैं यूनिवर्सल ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आप दोनों को एक ही ट्रिक से कर लेंगे, क्या और किसको वाले से, चलिए देख लेते हैं इसको। लेकिन इसे भी बताना ज़रूरी, कई बार आप क्या किसको लगाएंगे तो आपको 2 से 3 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन अगर आप सकर्मक है और आपको ख़त्म होने वाला ये ट्रिक पता है तो आप 1 सेकंड में ही टिक कर देंगे। तो इसीलिए दोनों पता होना चाहिए, आपका मर्जी, आप जो लगाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले श्याम ने खिलौना तोड़ा, तोड़ा आ गया तो ख़त्म हो रही है चीज़, तो आपको तो पता चल गया सकर्मक है। लेकिन चलिए अब हमारे यूनिवर्सल तरीके से सीख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या पता है कि क्रिया के पहले हमें लगाना है क्या। ठीक है, तो हमने लगा लिया श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो तोड़ा यहाँ पर क्रिया है आपकी, ये तो पता ही होगा आपको, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैं बस ऐसे बताऊँगा कि क्रिया ये है, ये तो आपको पता ही है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो श्याम ने खिलौना तोड़ा, अब आपको क्या करना है, क्रिया तोड़ा है तो उसके पहले ही लगा देना है क्या। ठीक है, तो श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो अब हम पूछते हैं क्या तोड़ा, क्या तोड़ा, तो आंसर आया हमें खिलौना तोड़ा। ठीक है, तो पहले का हमें क्या का आंसर मिल गया। चलिए अब किसको लगाते हैं, किसको हमें लगाना है फिर से, कि किसको तोड़ा, किसको तोड़ा। तो जब हम किसको लगाएंगे तो आपको जो भी आंसर आप बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बोलना खिलौने, खिलौना, तो खिलौना हम बोलेंगे, उसके आगे आपको को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, यही तरीका है दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ किसको यूज़ किया है तो आप यहाँ पे को भी लगाएंगे। जब किसको को चेक करेंगे तभी ऐसा करना होगा, क्या जब करेंगे तो सिंपल आपको जो आंसर मिल रहा है आप वही लिख देंगे, मतलब दिमाग में सोच लेंगे और इस वाले में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन किसको वाले में आपको को लगाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा श्याम ने खिलौना तोड़ा, तो किसको तोड़ा, तो आप बोलेंगे खिलौने को तोड़ा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। अगर दोनों के आंसर मिल जाए आपको सही तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोग एग्जांपल से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं, राहुल निबंध लिखता है। अब इसमें क्रिया क्या है आपको माइंड में करना है, लिखता है। ठीक है, क्रिया तो लिखना ही हो गया, लिखता है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्या, दिमाग में ही लगाना, ये लिखना नहीं है आपको। तो क्या लिखता है, तो मैंने कहा निबंध लिखता है, आंसर मिल गया पहले का, क्या का मिल गया। अब मुझे किसको यूज़ करना है, तो पूछता हूँ किसको, यहाँ पे यूज़ करता हूँ किसको, किसको लिखता है, तो क्या लिखता है, निबंध को लिखता है, क्योंकि मैंने बोला था जब किसको यूज़ करेंगे तो को यूज़ ज़रूर करना है आपको, तभी आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, किसको लिखता है, तो वो कह रहा है निबंध को लिखता है, तो मतलब बिल्कुल ये भी सही है, दोनों के जवाब मिल गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। चलिए धोनी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब धोनी क्रिकेट खेलता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बीच में ये क्रिया है आपकी खेलना, तो मैंने क्या किया, क्या खेलता है, क्या खेलता है, तो आंसर आया क्रिकेट खेलता है, मतलब ये सही हो गया। अब मैं पूछता हूँ किसको पूछता हूँ, ठीक है, किसको, तो किसको खेलता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, क्रिकेट को खेलता है। ठीक है, मैंने बताया था ना किसको यूज़ करेंगे, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा क्रिकेट को खेलता है, तो आपको अटपटा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल सही मतलब आ रहा है, जब थोड़ा सा अटपटा लगे तो इसका मतलब वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी जवाब हमको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और राजू सेब खाता है, आपको पता ही था खाने वाला जहाँ पे आ जाए ख़त्म होने वाली चीज़, तो वो तो होती है, वो ट्रिक तो अपनी थी ही, लेकिन ये वाली भी यूनिवर्सल ट्रिक देख लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, राजू सेब खाता है, अब खाता ही आपका क्रिया होगी, तो इसके पहले क्या लगा देते हैं, तो क्या खाता है, क्या खाता है, तो आंसर आया सेब खाता है, मतलब आंसर हमको जवाब मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, अब किसको लगा देते हैं, कि किसको खाता है, किसको खाता है, अब मैंने पूछा
क्या बोला है, सेब को खाता है, क्योंकि मैंने बताया ही कि किसको के बाद आपको क्या लगाना होगा, सेब को खाता है। तो ये भी आपको अटपटा थोड़ी लग रहा, सेब ही को खा रहा है, सही बात है। तो ये आपका हो गया राइट। ठीक है, मैं सकर्मक में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको यहाँ जब समझ में आ जाएगा तो आगे आप बहुत ही जल्दी करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, उम्मीद है आप लोगों को सकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी, यही सेम कॉन्सेप्ट अब आगे भी लगेगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और समझानी थी, जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है, कोई भी खेल आदमी अगर खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका एक टाइम होता है, टाइम होता है या लिमिटेड ओवर का होता है, तो वो भी क्या ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो जहाँ भी ख़त्म होने वाली चीज़ आए वो आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझनी है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप क्या किसको करिए, ये सभी में आपका फिट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और आप सभी के आंसर ले आएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अकर्मक क्रिया की बात कर लेते हैं। जिस क्रिया का कार्य कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ भी वही दोस्तों ट्रिक लगेगी, क्या और किसको। ठीक है, क्या और किसको, चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, दौड़ना है, तो इसी के पहले हम लगा देते हैं क्या। हमने क्वेश्चन किया क्या दौड़ रहा है, तो आपने क्या कहा, कुत्ता दौड़ रहा है, बोल ही दिया, देखिए लिखा ही है, तो आपका क्या वाला चीज़ सही हो गया। अब किसको की बात कर लेते हैं, किसको में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पूछ के और आंसर में आपको को जरूर लगाना, ये याद रखिए, अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपके कई क्वेश्चन फिर कहेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, तो ठीक है अब देख लेते हैं, अब किसको दौड़ रहा है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन किया किसको दौड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कुत्ता को दौड़ रहा है, तो देखिए अब अटपटा लगा ना आपको, कुत्ता को दौड़ रहा है ये कौन सी बात होती है, तो ये आपकी गलत हो गई। तो इसका मतलब एक सही हो रहा है एक गलत हो रहा है। तो मैंने बताया जब दोनों सही होंगे तभी सकर्मक होगा, अगर एक भी कोई गलत हो गया, चाहे वो पहला गलत हो या दूसरा गलत हो, कोई एक भी गलत हो गया तो आपका अकर्मक होना है, ये डन है। अगर दोनों गलत हैं तो अकर्मक है ही। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं। अब हम उड़ना क्या होता है, क्रिया होती है, इसके पहले हम लगा देते हैं क्या, तो क्या उड़ रहे हैं, तो आपका आंसर आया पक्षी उड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही, क्या का तो आंसर मिल गया। चलिए अब किसको का देख लेते हैं, ये हम क्या लिख देते हैं और ये किसको तो पहले से ही, अब किसको को यूज़ करते समय को यूज़ करना ही पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं किसको उड़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पक्षी को उड़ रहे हैं, तो पक्षी को उड़ रहे हैं ये तो आपको कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, चलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि पक्षी को उड़ रहे हैं ये कुछ जचा नहीं हमको। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मोहन खड़ा है। तो अब यहाँ पे क्रिया क्या है, खड़ा है, तो क्रिया के पहले ही हम को क्या और किसको यूज़ करते हैं, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ क्या खड़ा है, तो आपने जवाब दिया मोहन खड़ा है, बिल्कुल सही जवाब। अब किसको लगाते हैं, तो किसको खड़ा है, तो आप कह रहे हैं किसको यूज़ करते समय आप ध्यान रखिए को यूज़ करना ही है, तो मोहन को खड़ा है, तो अभी ये तो गलत पड़ रहा है, मोहन को खड़ा ये क्या बात हुई, तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूसु सो रहा है, यूसु जो है सो रहा है, यूसु हो शिशु हो कुछ भी हो, यहाँ पे शायद शिशु ही था, गलत प्रिंट हो गया, जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी है सो तो रहा ही है। तो अब हमें क्या करना है, सोना यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या सो रहा है, तो आप कह रहे हैं शिशु सो रहा है, ठीक है भाई हमको ये तो चीज़ सही लग रही है। अब हमें लगाना किसको, तो किसको लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसको सो रहा है, तो आप कह रहे हैं शिशु को सो रहा है, तो ये शिशु को सो रहा है ये कौन सी है, तो भाई अटपटी बात है, अजीब लग रहा है, तो ये भी क्या हो गई अकर्मक। तो इसका मतलब ये चारों क्या है आपके अकर्मक क्रिया हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जरूर जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैं गेहूं पिसवाता हूं। अब आपको क्रिया पता है यहाँ पे है क्या, पिसवाना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको लिख देता हूँ, एक दूसरे के नीचे लिखते चलते हैं। मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो मैं
ये क्रिया है, ठीक है, तो इसके पहले मैं क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, क्या पिसवाता हूँ, तो आंसर आया गेहूँ पिसवाता हूँ। अपने आप से खुद से क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्रिया के पहले क्या और किसको लगा के और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या पिसवाता हूँ, तो आपने कहा गेहूँ पिसवाता हूँ, तो क्या का आंसर तो आपका सही हो गया। चलिए अब लगा लेते हैं किसको लगा लेते हैं, तो मैंने कहा किसको पिसवाता हूँ, तो आपने कहा, मैंने कहा जब किसको लगाएंगे तो आपको को जरूर लगाना होगा, ठीक है, तो मैंने कहा गेहूँ को पिसवाता हूँ, ठीक है, गेहूँ को पिसवाता हूँ, तो ये भी आपको सही लग रहा है। देखिए गेहूँ को ही तो पिसवा रहे हैं, गेहूँ में तो नहीं पिसवा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया सही। अब जब दोनों सही हो जाएं तो वो आपका क्या हो जाता है, सकर्मक हो जाता है, ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। और अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, बरसना है, तो क्रिया के पहले हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या बरस रहा है, तो आपने कहा आंसर आया आपकी तरफ से पानी बरस रहा है, तो ठीक है भाई हमने क्या कहा आंसर सही आ गया। किसको लगा देते हैं, किसको, तो किसको बरस रहा है, तो आपने कहा पानी को बरस रहा है, तो यार ये तो अटपटा लग रहा है मुझे, को लगा रहा हूँ, पानी को बरस रहा है, ये तो गलत है, तो चलिए हमने गलत कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक गलत एक सही, तो ये क्या हो गया, आकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है, तुरंत आपने पता कर लिया। फिर चलिए शिशु सो रहा है, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी वही रहेगा, देख लीजिए क्या लगाएंगे, क्या सो रहा है, आपने कहा शिशु सो रहा है, फिर किसको लगाएंगे, तो शिशु को सो रहा है, तो ये भी गलत ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी, आपको पता ही है। फिर ठीक है, वह अपना सर खुजलाता है, दोस्तों मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, यही पेपर में भी आते हैं और टफ़ क्वेश्चन भी ले लिए हैं। देखिए वह अपना सर खुजलाता है, इसमें बहुत से लड़के गलतियां कर देंगे, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये सब ऐसे बड़े बड़े हैं, इसमें आप लोग गलत करके आएंगे, तुक्का करके आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, जो मैंने तरीका बताया, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। वह अपना सर खुजलाता है, तो क्रिया यहाँ पर क्या है, खुजलाना है, तो चलिए हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, तो क्या खुजलाता है, आंसर क्या आया, सर खुजलाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए क्या का आंसर मिल गया, अब किसको लगा लेते हैं, किसको, तो मैंने कहा किसको खुजलाता है, किसको खुजलाता है, तो आपने कहा सर को खुजलाता है, क्योंकि मैंने बताया था जब किसको यूज़ करेंगे तो को जरूर यूज़ करेंगे, ठीक है, तो सर को खुजलाता है, तो ये भी आपका सही जवाब हुआ, तो क्या हो गया, दोनों सही हो गए, तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो अब यहाँ पर ललचाना जो है, ललचाना ये आपकी क्रिया है, तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, मैंने क्या पूछा, क्या ललचाती हैं, तो आपने कहा जी ललचाती है, ठीक है, तो सही हो गया, आपने कहा क्या का आंसर आपको तो मिल गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं आसानी से। अब मैंने यूज़ किया किसको, तो किसको यूज़ करेंगे, तो को जरूर यूज़ करेंगे, तो किसको ललचाती हैं, तो मैंने कहा जी को ललचाती हैं, जी मतलब मन होता है, जी लगना, मन लगना है, ठीक है, जी को ललचाती हैं, तो क्या हुआ, किसको ललचाती हैं, जी को ललचाती हैं, तो ये भी सही है आपका, देखिए अटपटा तो लग नहीं रहा, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप लोग वीडियो को इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो को इन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे करा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप अपनी बुक से उठा के खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आपको पता है कि उड़ना जो है वो क्रिया होती है, तो इसके पहले लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से क्या और किसको, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे दोनों का आंसर क्या आ रहा है। ये चीज़ें आपको माइंड में करनी रहेंगी, मैं आपको पेन पेपर करा के बता रहा हूँ, लेकिन आपको माइंड में करेंगे तो एक से दो सेकंड में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या उड़ते हैं, तो आपने आंसर दिया पक्षी उड़ते हैं भाई, देखिए इसी में आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, तो आपने कहा बिल्कुल सही है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब मैंने किसको का यूज़ करना है कि किसको उड़ते हैं, तो मैंने कहा पक्षी को उड़ते हैं, तो ये तो गलत हो गया, आकाश को उड़ते हैं, देखिए ये टफ़ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दिया कि आप लोग गलती कर सकते हैं, मुझे पता है गलती आप लोग कहाँ करेंगे, इसलिए मैंने दिया। तो अब आकाश को उड़ते हैं,
लेकिन हमें क्या होता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। आकाश को उड़ना मतलब ऊपर की ओर जाना, लेकिन होता क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो में तो होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है किसको, को हमने यूज़ किया, इसके कारण से ये गलत हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं ये तो सही है, लेकिन किसको उड़ते हैं, तो आपने कहा कि आकाश को उड़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आकर्मक क्रिया, क्योंकि आपका एक सही है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है, ठीक है। तो अब हंसना क्रिया है, तो इसके पहले क्या लगा देते हैं, क्या हंसता है, तो आपने कहा क्या हंसता है, बालक हंसता है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं किसको यूज़ करके, तो किसको हंसता है, तो आप कह रहे हैं बालक को हंसता है, ये तो कुछ अटपटा लग रहा, बालक को हंसता है क्या, खिलौने को हंसता है, ये भी गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम फल खाता है, आपने जैसे देखा फल खाता है, फल खाता है, मैंने बताया ही था कोई भी फल खाए ख़त्म हो जाएगा ट्रिक, तो जैसे ख़त्म हो जाएगा वो चीज़ क्या होगी, सकर्मक क्रिया ही होगी, तो आपको यहाँ पे वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम अपने तरीके से करते हैं, देख लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम फल खाता है, आप यहाँ पे खाना क्रिया है तो यहाँ पे लगा देते हैं, क्या हमने पूछा क्या खाता है, तो आपने कहा भैया फल खाता है, तो चलिए ये सही हो गया, क्या का आंसर मिल गया। अब किसको का देख लेते हैं, तो मैंने कहा किसको खाता है, तो आपने कहा फल को खाता है, मैंने बताया था ना किसको को यूज़ करेंगे तो को जरूर यूज़ करेंगे, तो किसको खाता है, तो आपने कहा फल को खाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है, दोनों सही हैं, तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राधा रोती है, अब रोना है पर क्रिया है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ठीक है, क्या रोती है, तो आपने कहा राधा रोती है, चलिए सही हो गया भाई, राधा रोती है आपने बता दिया, किसको रोती है, किसको रोती है, तो आपने कहा राधा को रोती है, राधा को रोती है, तो अब ये राधा को रोती है ये तो कुछ सेट नहीं बैठ रहा है कि राधा को रोती है, तो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये आकर्मक हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी और आपका क्या और किसको में से कोई एक भी गलत होता है तो वो तुरंत आप आकर्मक लगा दीजिए, ठीक, कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। सीता गीत गाती है, अब गाना यहाँ पर क्या हो गया, गाती है, यही क्रिया हो गई, इसके पहले आप लगा दीजिए क्या, तो क्या गाती है, आपने कहा गीत गाती है, बिल्कुल सही जवाब। आप कह रहे हैं किसको गाती है, किसको गाती है, तो आपने कहा गीत को गाती है, गीत को गाती है, तो बिल्कुल सही जवाब भाई, गीत को ही तो गाएगी ना, तो गीत को गाती है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, डाकिया चिट्ठी लाया, तो आपका क्या हो जाएगा, लाना जो है ये क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, हमने पूछा क्या लाया, तो आपने कहा चिट्ठी लाया, ठीक है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आप कह रहे हैं किसको लाया, किसको लाया, तो क्या आप बोलेंगे, चिट्ठी को लाया, को लगाएंगे ना किसको में, तो चिट्ठी को लाया, तो ये भी तो सही है, तो दोनों सही हो गए, तो क्या हो गया, आपका सकर्मक हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों बता रहा हूँ, बहुत ही टाइम लगा के बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं, ये बच्चा दिन भर रोता है, ठीक है। अब यहाँ पर रोना क्या हो गया, क्रिया हो गई, तो क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं क्या और किसको, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा सही कौन सा गलत हो रहा है, ठीक है। क्या रोता है, आपने कहा बच्चा रोता है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप जल्दी जल्दी खुद से करिए, किसको रोता है, तो बच्चा को रोता है, गलत हो गया, देखिए दिन भर को रोता है, ये भी गलत हो गया, तो चलिए ये भी गलत हो गया, तो क्या होगा, एक सही है गलत, आपका क्या होगा, आकर्मक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, गीता तेज गाती है, तो चलिए क्या गाती है, गाना आपका क्रिया हो गया, पहले लगा दीजिए क्या, तो क्या गाती है, आपने कहा गीता तेज गाती है, क्या गाती है, तेज गाती है, ठीक है, तो सही हो गया। अब कह रहे हैं किसको गाती है, तो तेज को गाती है, अब तेज को गाती है, आपको अटपटा लग ही रहा होगा, तेज को गाती है या गीता को गाती है, तो ये भी तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया ही हो जाएगी। फिर देख लेते हैं, कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है तो दौड़ना क्रिया हो गई, इसके बीच में क्या लगा देते हैं, तो क्या दौड़ रहा है, आपने कहा कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। फिर आपने कहा किसको दौड़ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, सड़क को दौड़ रहा है, ठीक है, सड़क को दौड़ रहा है, तो सड़क को नहीं दौड़ा जाता है, सड़क पर दौड़ा जाता है, ठीक है,
तो आपने बोला सड़क को दौड़ा जाता है, मतलब ये तो गलत ही हो गया, पर होता तो मान लेते, लेकिन हमारा को लगाना ज़रूरी है क्योंकि सर ने हमको ट्रिक में बताया है कि अगर किसको यूज़ करेंगे तो वहाँ को ज़रूर लगाएंगे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तो क्या हो गया, आकर्मक क्रिया ये भी हो गई। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रियंका मूर्ति बनाती है, तो यहाँ पर बनाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, इसके पहले लगा देते हैं क्या ऑप्शन। फिर पूछिए अपने आप से क्या बनाती है, तो आपने कहा मूर्ति बनाती है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं किसको, किसको बनाती है आपने पूछा, तो हमने क्या बताया मूर्ति को बनाती है, मूर्ति को बनाती है, बिल्कुल सही जवाब। आपको पढ़ने में ही सही लग रहा है, अटपटा तो लग नहीं रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, तो क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बहुत ही टफ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोग ये जो जो मैं बता रहा हूँ सही सही, अगर आप लोग भी वही लगा रहे हैं इस समय मेरे साथ में, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पेपर में, ठीक है। रामू स्कूल साइकिल से गया, तो यहाँ पे गया हो गया आपका, क्रिया हो गई, तो इसके पहले लगा दीजिए क्रिया, ठीक है। अब रामू स्कूल साइकिल से गया तो क्या गया, तो आपने बोला स्कूल गया, क्या गया, तो आपने कहा स्कूल गया या रामू गया, दोनों सही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यूज़ कर लीजिए, जिससे भी आपको सेट पड़े आप यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब किसको यूज़ करिए, किसको यूज़ करिए, तो क्या हो जाएगा कि किसको गया, तो आप कहेंगे स्कूल को गया, रामू को गया वो तो गलत हो रहा था, लेकिन अगर आप करेंगे स्कूल को गया तो ये तो सही है, साइकिल को गया ये तो गलत है, लेकिन स्कूल को गया, स्कूल को गया ये तो सही है ना, आप स्कूल में गया नहीं स्कूल को गया, मतलब ये स्कूल के तरफ जा रहा था, ये तो आपका सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सकर्मक। दूसरा तरीका भी जो मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होती, जैसे हम आप कह रहे हैं रामू स्कूल साइकिल से गया, तो साइकिल से जो जाएगा तो साइकिल तो पहले नई रही होगी, लेकिन अब स्कूल जाएगा तो क्या पुरानी होने लगेगी, मतलब ख़त्म हो रही है, टायर घिस रहे हैं उसके, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो पीना क्या है, क्रिया है, तो इसके पहले क्या लगा दीजिए। बस इसमें है दोस्तों आपको क्रिया पता होनी चाहिए, तो मुझे पता है लगभग सभी लोगों को पता होगा, इसीलिए कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो क्या पी रहे थे, आपका आंसर आया सर हम कॉफ़ी पी रहे थे, तो लीजिए सही जवाब। अब हम पूछते हैं किसको पी रहे थे, किसको पी रहे थे, तो आपने बोला कॉफ़ी को पी रहे थे, कॉफ़ी को पी रहे थे, ठीक है। तो इसका भी जवाब क्या, अटपटा थोड़ी लग रहा है, सही लग रहा है, कॉफ़ी में पी रहे थे ये थोड़ी है, कॉफ़ी को पी रहे थे, तो ये भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों दूसरा तरीका आपका यही जो मैंने बताया ख़त्म होने वाला, अब आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ख़त्म हो जाएगी, तो ख़त्म हो जाएगी तो क्या, ये भी जैसे ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं वो आप तुरंत टिक लगा दीजिए सकर्मक। लेकिन जो दोस्तों मैंने ये ट्रिक आपको बताई है क्या और किसको वाली, इसमें आपको एकदम 100% पूरे चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ख़त्म होने वाले में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहाँ फल वल खाने वाला हो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, या कॉफ़ी पी रहे हैं या इस टाइप का, या क्रिकेट खेलता हूँ फुटबॉल खेलता हूँ, खेल और गेम वाले आएंगे तो आप तुरंत लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको चेक करना हो फिर भी कि आपने सही किया है गलत, तो आप क्या और किसको ज़रूर यूज़ करिए, ये आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपको आकर्मक के लिए कुछ दूसरा यूज़ करना, सकर्मक के लिए दूसरा, ठीक है। तो दोस्तों ये है था आज का हमारा वीडियो, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आप लोग करके मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया है। बहुत से लोगों को पहले भी आता रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता था तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि दर्जी कपड़े सिल रहा है इसका क्या होगा, आकर्मक होगा या सकर्मक, और राधा घूम रही है इसका क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, क्या और किसको, वही जो मैंने फॉर्म बताया आपको तरीका, उसी का यूज़ करके आप बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का था वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था अकर्मक सकर्मक ट्रिक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने एंजॉय किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ही हमने हिंदी के ट्रिक्स के वीडियो बहुत से डाल रखे हैं, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं,
और अगर आपको कोई और हिंदी का टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उसके ट्रिक की वीडियो अपलोड करें और आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।